हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओम प्रिया सिंह में। जितिया व्रत कथा विस्तार से इसे सुने। बिना सुने जीवित पुत्री का व्रत नहीं रहा जाता है, रह जाता है आपका व्रत अधूरा। तो चलिए समय न व्यर्थ करते हुए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जितिया व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए रखती है। यह निर्जला व्रत है जो कि आसिन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने और जितिया व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने वाली महिलाओं के बच्चे खुशहाल होते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। आप भी जानिए जितिया व्रत की कथा विस्तार से। एक बार नौमी सारण्य के निवासी ऋषियों के साथ कल्याणार्थ सुजीत से पूछा, हे सूत, कराल काली काल में लोग के बालक किस तरह दीर्घायु होके सो, कहिए। सुजीत बोले, जब द्वापर का अंत होगा और कलियुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकुल स्त्रियां ने अपने आपस में सलाह की कि क्या इस कलियुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। तब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकती थी। तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। तब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत के युद्ध का अंत हो गया और द्रौपदी अश्वत्थामा के साथ अपने बेटों को मार देखकर सब पांडव को बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौरमे के पास गई और उसने धैर्य से कहा, विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक ठीक कहिए। धैर्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचारी करने वाला समर्थ सिद्धि जितवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया था और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जितवाहन का तो मन हृदय वर्धनीय हो गया। तब वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गुरु प्रतिदिन आकर गांव की एक लड़की को ले जाता है और खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उस स्थान पर गया जहाँ गुरु आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गुरु भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। तब अति सत्य तेजस्वी गुरु ने कहा, राजा का बाया अंग खा लिया, तो झपटकर राजा ने अपना दाहिना अंग फेरा गुरु के सामने कर दिया। यह देखकर गुरु जी ने कहा, तुम कोई देवता हो। गुरु जी ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन हो तुम, मनुष्य हो तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीरा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गुरु रुक गए और बड़े आदर से राजा का जन्म और कुल की बात पूछने लगा। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सैव्या और मेरे पिता का नाम है शालिवाहन है। सूर्यवंश मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देख कर गुरु ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह बार मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे बर दे रहे हैं तो बर दीजिए कि आपने जब इन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। और हे स्वामी, सब अब से आप यह बालकों को
ना खाए और कोई ऐसा उपाय करे कि जो उत्पन्न होवे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धर्म ने कहा कि पक्षी राजगुरु राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्य की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गुरु ने खाया था। राजा के त्याग और गुरु की कृपा से वहां बालों बहुत ही कष्ट दूर हो गए और वह स्वयं राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गुरु ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक वरदान दूंगा। आज आसिन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तक आज ही तुमने यह की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्राह्मण भाव हो गया है जो मृत भेद से विविध नामों से विख्यात है। वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा की अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो इस दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश में भी वृद्धि होगी। हे महाभारत के इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी के दिन से रहित और उदित तिथि अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी वृद्धि अष्टमी जिस दिन हो उसी दिन व्रत ना करें। शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी को पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया हो तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देखकर गुरु वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपने पत्नी के साथ अपने नगर वापस चले आए। धर्म ने द्रौपदी से कहे, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोत्तर विधि से यह व्रत को और दुर्गा जी की पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनि राज धर्मे की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पुराविसिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह वर और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह से सुन लिया और अपनी सखी से सियारिनों को बताया। इसके बाद पीपल के वृक्ष की शाखा पर बैठकर चीन और उस वृक्ष के खाते में बैठी सियारिन ने भी इस व्रत को किया। फिर वही चीन किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से कथा सुन आई, पीपल के खाते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी, उसे भूख लग गई और वह उसी समय सब से भरे हुए शमशान में पहुंची और वहां से इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिन्ह बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरा वह गौशाले में गई, वहां से गौ दूध पिया। इस तरह नवमी को पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनवान व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ जिसमें सियारिन जेठ हुई और चीन छोटी हुई। वे दोनों भी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़कियां काशीराज और छोटी लड़की मंत्री के साथ गृहपत्ने अग्नि के सामने विधि पूर्वक विवाही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई जिस किसी के संतान को उत्पन्न करती वह मर जाता था। पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वस्तुओं से सुदेश तेजस्वी 8 बेटे को उत्पन्न किए और उस सभी जीवित रह गए। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईसा बस राज्य पत्नी ने कहा, अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों की जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री को के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका का पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवा दिया।
पिटवा कर रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे आठों लोग शरीर बेशकीमती जवाहरात में बदल गए और भले चंगे आठों लड़के अपनी माता के पास चले गए, उनको जीवित देखकर राज्य पत्नी को बड़ा विषण हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उसने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मर जाने के बाद भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में चील और सियारिन दोनों ने व्रत किया था, तुमने नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था, इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते और राजरानी अब तुम इस जीवित पुत्री का व्रत को करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। तुमने सच सच कह रही हूँ, उसे कथा अनुसार रानी की बात किया, तभी उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सुत जी ने कहा कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है, स्त्रियों चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आपको चील सियारन की कहानी और द्रौपदी जितवाहन की कहानी कैसी लगी? ऐसी ही कहानी देखने के लिए और व्रत त्योहारों से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाके जरूर देखें। और कोई भी व्रत का वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही आता है तो इसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और जितना हो सके अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।